ताकत महसूस होगी, एक ताकत महसूस होगी। आज आप देखो बड़े बड़े चैलेंज थे सब खत्म हो गए। इसराइल बोल रहा है कि हमें दज्जाल के इंतजार करना चाहिए। इटली जो वर्ल्ड का तीसरे नंबर का मेडिकल साइंस है, कह रहा आसमान से कोई मदद आएगी तभी कुछ हो सकता है। जो साइंस खुदा को नहीं मानती थी, कोरोना वायरस ने खुदा की याद में दिला बता दिया, तुम लाख तरक्की कर जाओ, तुम लाख चांद पर बसने का ख्वाब देखो। अरे मेरे रब तो वो शान वाला है, अगर वो चाहे तो धरती में तुम अपने घर में भी मत रहो। पूरी दुनिया आजिज हो गई है, मजबूर हो गई है, और सबके दम पर ये है कि आसमान से कोई मदद आ जाए, कोई मदद आ जाए। तो मुसलमानों ये वक्त बड़ा कीमती है, संवरने का वक्त है। अल्लाह ताला हम सबको संवरने की तौफीक दे। आमीन। बहरहाल मेरे प्यारों, कि आपने अक्सर सुना कुरान मजीद में पढ़ा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, और कुरान शरीफ का आगाज सूरह बकरा सुना दालिकल किताब वाली तौफीक, ये वो किताब है इंशाल्लाह जिस किताब को लेकर के हमारे मुफ्ती साहब बिरला इस इलाके की मनसबे कजाब को अदा करेंगे। इस किताब में कोई शक नहीं, देर इज नो डाउट इन द होली बुक ऑफ कुरान। ये कौन फरमा रहा? अल्लाह फरमा रहा, कोई शक नहीं। फिर आगे क्या फरमाया? हुदन लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब यहां जरा गौर करना, पहले रब ने फरमाया इस किताब में कोई शक नहीं, फिर आगे क्या फरमाया? ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है, यानी वो है रब्बे कदीर जो अलिमुल गैब व शहादा है, उसे मालूम है कि सखियों के बाद भारत की पार्लियामेंट में कुरान को लोग रखेंगे और किला का मसला बयान करेंगे। तो रब ने पहले ही मुसलमानों को आगाह कर दिया कि जिसके हाथ में कुरान देखना, ये मत समझना वो हिदायत याफ्ता है, ये मत समझना वो आलिम है, ये मत समझना वो मुत्तकी है। पहले ही रब ने क्लियर कर दिया कुरान खुदा की मुत्तकी मुत्तकियों के लिए जो होता है जिंदे पर होता है कि मुर्दे पर होता है? जो जिंदा हो, पोजीशन में हो, जिसकी सरकार हो, जो कम्युनिटी का लीडर हो, उस पर तबसरा होता है। जो लीडर ना हो, उस पर तबसरा नहीं होता। जो मुर्दा हो, उस पर तबसरा नहीं होता। आज के 1400 साल के बाद भी कुरान का तबसरा अगर पार्लियामेंट में हो रहा है, मैं समझ गया ये वतन तो है सुबान हैरों की है, यहाँ पर हैरों की अक्सरियत है, लेकिन कुरान यकीन जिंदा किताब है। दोस्तों क्या रब ने फरमाया? दालिकल किताब, नो डाउट इन द होली बुक ऑफ कुरान। अब बताओ, और मुत्तकियों के लिए हिदायत, यहाँ पर सारे अदियाने बातिल का भी रद्द हो गया और हमने दूसरे चंद समझ गए उनका भी रद्द हो गया। जब सुनो कुरान में कोई शक नहीं, थोड़ा करीब से समझना, कुरान में कोई डाउट नहीं। जब कुरान में कोई डाउट नहीं तो रब क्या इशारा दे रहा है? जिस पर कुरान उतरा है, पर जो चीज आए उस पर डाउट नहीं, उस चीज में कोई शक नहीं, तो जिस पर उतरा है उसकी जात की किताबें तो थी, किताबें तो थी रब के, सहीफे तो थे, लेकिन कुरान को ऐसी इम्तियाजी हैसियत कैसे हासिल हुई?
मुस्तफा ये निस्बत तुमसे लगी है, ए मुस्तफा ये निस्बत। अब आप यहां से सोचो, सफा और मरवा हुजूर की विलादत से कई सौ साल पहले है, लेकिन बाइबल में जिक्र नहीं है, तौरेत में सफा मरवा का जिक्र नहीं है, इब्राहिम की किताब में जिक्र नहीं है, इस्माइल के पास कोई पैगाम नहीं है, हाजरा के पास कोई वही नहीं है, लेकिन जैसे मुसीबत मुस्तफा ने कदम रखा, मुस्तफा के मैं ये अर्ज करना था, अपने पॉइंट पर आता हूं कि मुत्तकी कौन है। अब आप बहुत बड़े बड़े ताबलिफ्ता है, बड़ी बड़ी टोपियां है, उसको चाइना टोपी वाले भी हैं, जानते हैं ना, सर पर चाइना टोपी, जिसमें पर कोट पैंट और टाई, यानी सर से लेके टॉप टू बॉटम बता रहे मेड इन चाइना, और चाइना का माल कैसा होता है, समझ गया, डुप्लीकेट माल है। अब दोस्तों, अब जिसके पास आप जाओगे वो कहेगा मुत्तकी हम लोग हैं, मुत्तकी हम लोग हैं, मुत्तकी हम लोग हैं। किसी ने नमाज को पढ़ पढ़ के समझा हमें तकवा मिल गया, किसी ने हज पे हज करके समझा हमें तकवा मिल गया, किसी ने नेक काम कर करके समझा हमें तकवा मिल गया, किसी ने कजात और मनसब पाया समझा मुझे तकवा मिल गया। अरे दोस्तों, ये तो इनकी जुबान है, कहेंगे हम मुत्तकी, हम मुत्तकी। इस्तिंजा का तरीका ना मालूम हो, कहेंगे हम मुत्तकी, चेहरे का कोई ठिकाना नहीं, कहते हम मुस्तफा की तरह है, हम मुत्तकी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं भी कहूँ हम मुत्तकी, आप भी कहो हम मुत्तकी, लेकिन बात बनने वाली नहीं है, इसलिए मेरा पैरोकार मुझे मान लेगा, हम गैर को कैसे समझाए। मुत्तकी है कौन? 73 डिवीजन इन इस्लाम, इस्लाम में 73 फिरके हैं, हर फिरका कहता मुत्तकी हम है, हर फिरका कहता मुत्तकी हम है, लेकिन मेरे प्यारे मैंने कुरान से पूछा, एक कुरान तू बता मुत्तकी होते कौन लोग हैं, तो कुरान इरशाद फरमाया इन्ना लज़ीना कि आता था मौजिज़ा है।
करके हजरत हसान तक चले आओ, हजरत हसान से लेकर के इमाम आजम तक चले आओ, इमाम आजम से लेकर के गौसे आजम तक चले आओ, गौसे आजम से लेकर के ख्वाजाए ख्वाजगा तक चले जाओ, ख्वाजाए ख्वाजगा से लेकर के मखदूमे सन्नानी तक चले जाओ, मखदूमे सन्नानी चल मिलते हुए शाहे मीरा में चले जाओ, शाहे मीरा से मिलते हुए आप बरेली की धरती पर इश्के मोहब्बत के इमाम से मिलो। सबकी जुबान एक है, कलाम अलग अलग है, अंदाज एक है, इश्क अलग अलग है, लेकिन मेरे दोस्तों जिसने देखा मुस्तफा को, जिसने आखिरी बात है, जिसने देखा मुस्तफा को लिखते लिखते कलम रुक गई, जिसने ना देखा लिखता गया इतना लिखा कभी कह दिया सरफर कहू के माल हो गया वाले ने लिखा सुबह से हाथ जोड़ के कहूंगा, आवाम से कहूंगा, हमें क्या करना है,
इनका मुकाबला हम तलवारों से नहीं कर सकते हैं, इनका मुकाबला हथियारों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम ये तालीम देता ही नहीं है। तो क्या हम करें? कुछ मत करो, सिर्फ अपने दिल को मदीना बना, सिर्फ मदीना बना लो। ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये हकीकत है। सिर्फ मदीना बना लो, कसम खुदा की तुम्हारी तड़प मुस्तफा की तरफ हो, तुम्हारी नजर गुंबदे खज़रा की तरफ हो, तुम्हारा मकसद गुंबदे खज़रा हो, हमारी नजर गुंबदे खज़रा पर हो। मुस्तफा की एक नजर पड़ गई ना, एक निगाह का बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। दोस्तों, ए आशिक रसूल, मैं फिर आपसे कहूंगा, इस दौर में हमें जीतना है, इस दौर में हमें हावी होना है, हमारा कलमा बनाना है। तो हम ताकत से नहीं, अगर ताकत से होता, आप देखो बड़े बड़े डॉन के मकान गिरा दिए जा रहे हैं। ये भी खुदा की तरफ से हम मुसलमानों को एक पैगाम है, अपनी दौलत पर नाज मत करना, अपनी ताकत पर नाज मत करना, अपने हथियारों पर नाज मत करना, अपने मवाली गुंडों पर नाज मत करना। अरे नाज जब करना तो ख्वाजा की अता पर करना, मखदूम-ए-सुल्तानी पर कर लेना, क्योंकि दोस्त